जो तिरपाल आप बनते हुए देखते हैं वो तिरपाल फैक्ट्री के अंदर दाने से लेके धागा बनने और कपड़ा बनने तक का प्रोसेस कैसे होता है वो हम आपको दिखाएंगे। और इसकी होलसेल जो है किसान एग्रोप्लास्ट सांगरिया जोधपुर के अंदर बिक्री होती है और अहमदाबाद गुजरात से ये तिरपाल का पूरा काम बन के आता है। पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप अगर तिरपाल खरीदने के इच्छुक हैं या इस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो किसान एग्रोप्लास्ट जो नंबर दिए हुए हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं अहमदाबाद और किस प्रकार एक दाने से तिरपाल बनता है वो प्रोसेस दिखाता हूं। तो इस बैग के अंदर दाना है और उस दाने से तिरपाल का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। तिरपाल के बनने की प्रोसेसिंग यहीं से शुरू होती है। तो आइए सबसे पहले जो है यहाँ हम सनपेट नाम की कंपनी है जिसके अंदर दाने से लेके पूरा तिरपाल का प्रोसेस किस प्रकार तिरपाल के ऊपर लेमिनेशन होती है किस प्रकार इसके माइक्रोन सेट होते हैं किस प्रकार तिरपाल की पूरी टेस्टिंग की जाती है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इसमें हम मटेरियल डाले हैं ये दाना है ये दाना है इसका HDPE है ये ठीक है। और इसमें हम डालते हैं कलर डालते हैं इसमें यू भी डालते हैं सारे चीज़ मैंने डाल करके उसको इस मशीन में डालते हैं। तो वो मशीन ऑटोमेटिक वो ऑटोमेटिक सब सेट किया हुआ रहता है सब परसेंटेज के हिसाब से क्या परसेंटेज में कौन सा मटेरियल डालना है उसके हिसाब से सब उसमें मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद ये प्लांट में आता है प्लांट में आएगा होने के बाद मिक्स होने के बाद इसमें आता है हॉपर में यहाँ से फिर ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है। इसका टेम्परेचर हमको सेट करना होता है कौन से मटेरियल में क्या टेम्परेचर रखना है वो हम और हमारे ऑपरेटर मिलकर इसको सेट करते हैं। यहाँ से तिरपाल मतलब टेप मेल्ट होता है दाना दाना हाँ मेल्ट होकर के यहाँ से गिरता है फिल्म अच्छा यहाँ से फिल्म बनना शुरू होता है ये फिल्म गिर रहा है पानी में अच्छा ये पानी में जा रहा है हाँ अभी पानी से फिर ऊपर आ रहा है तो ये पूरा बन के ऊपर आ रहा है फिल्म अब ये फिल्म बन के ऊपर आ गया। अब इसको हम आगे अगर जाते हैं तो जस्ट आगे जा कर के हमारे यहाँ एक ब्लेड लगाते हैं अच्छा ये ब्लेड लगाते हैं अच्छा ये ब्लेड लगा हुआ हाँ कटर तो यहाँ पे टेप कट रहा है अच्छा यहाँ से इसके अलग अलग भाग हाँ तो टेप कट गए वहाँ से जस्ट एक फ्रेम आया और यहाँ आके मैंने कटर सेट किया। टेप विड्थ हमको किस में सेट करना है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर कटर सेट किया। अब उसके हिसाब से यहाँ से ये ओवन है ये ओवन है हाँ अब इसमें टेप की खिंचाव होगी तो उसमें क्या होता है हम यहाँ पे रेशियो सेट करते हैं। ये हमारा पूरा डिस्प्ले है हम इसमें पूरा पैरामीटर सेट करते हैं क्या टेप विड्थ क्या निकालनी है टेप की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए टेप की डेनियर क्या होनी चाहिए ये सारा जब पैरामीटर हम इसमें सेट करते हैं फिर आगे मेरा टेप वहाँ पर रिवाइंड होता है। ये ओवन से जब निकलता है ना ये गोडेड है इसको बोलते हैं गोडेड अच्छा गोडेड रोल है हाँ। ये दो रोल हमारे एक रोल होते हैं नॉर्मल हाँ। और इसको हम गर्म करते हैं एक गर्म हीट देता है एक नॉर्मल होता है ये नॉर्मल होता है एक गर्म होता है ये गर्म होगा ये और ये और ये पांच रोल हमने गर्म रखा है हाँ। और दो रोल आगे का चिल रखा है अच्छा वो ठंडे हाँ उससे क्या होता है जो हॉट रोल है जो टेप का हमारा श्रिंकेज जितना कंट्रोल करना चाहिए मिनिमम उसके हिसाब से हम स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर इसको हम और हीटिंग बढ़ाएंगे या कम करेंगे वो हमारा पैरामीटर हम खुद सेट करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दो रोल हमारा चिल्ड है इसमें हम 15 डिग्री पानी डालते हैं 15 डिग्री टेम्परेचर का वाटर इसमें आता है 15 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं हाँ, इसके रोल का हाँ और ये टेम्परेचर 100 डिग्री है वो 100 डिग्री हाँ यानी कि एकदम 100 डिग्री से सीधा 15 डिग्री पे लाते हैं तब जा करके जब आप यहाँ टेप को टच करोगे हाँ। तो यहाँ टेप आपको गर्म नहीं मिलेगा बहुत माइनर हाँ। नॉर्मल टेम्परेचर हाँ यहाँ आने के बाद ये हम टेप बाइंडिंग हो रहे हैं ये रोलिंग रोल बनते हैं रोल बन रहे हैं ये बोबिन बन रहे हैं अब ये हमने बोबिन बना दिए ठीक हाँ। है अब ये बोबिन का हमने डायामीटर सेट करके रखा है 90-100 mm इससे ओवर साइज हम नहीं बना सकते हैं वरना जो आगे की जो प्रोसेस हमारा है उसमें वेस्टेज बढ़ेंगे तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं सारे हमारे टीम मिलकर इनको हम एक स्टैंडर्ड चार्ट दिया हुआ है जिस क्वालिटी का टेप निकालते हैं सबका एक स्टैंडर्ड चार्ट होता है उसी हिसाब से हम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। अब वो जो मैंने आपको अभी पहले बताया जो टेप लाइन में हम बॉबिन निकाल रहे थे रील उसके बाद जो प्रोसेस होता है कपड़ा बन जाता है ये पूरा कपड़ा बन रहा है हाँ अब ये फैब्रिक बन रहा है ये जो ब्लैक है ये 250 GSM का कपड़ा बना रहे हैं हम इसको हम लोग पौंड में यूज करते हैं पौंड आप समझ सकते होंगे हाँ। जहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वहाँ के लिए मैंने ये प्रोसेस किया हुआ है
जहाँ पे पानी की कमी है तो वहाँ पे पौंड लगाते हैं लोग ज़मीन में, वो बारिश का पानी से उसको इकट्ठा करके वो जो फार्मर लोग होते हैं यूज़ करते हैं उसको खेती के लिए भी और पीने के लिए। इसको हम बनाते हैं स्पेशली पौंड का, ये स्पेशली पौंड का, ये 500 माइक्रोन बनाते हैं हम, 500 माइक्रोन तक बनाते। ये जो फैब्रिक बना रहे हैं हम, इसको बोलते हैं गजट, गजट ट्यूब। ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं इसके अंदर आरएफ होते हैं, आरएफ का मतलब होता है रेनफोर्समेंट। इधर की जो बीबिंग होती है साइड की और ब्रिज की, उसमें सिंगल टेप होते हैं और इतने दूर में डबल टेप होते हैं। तो ये डबल टेप यहाँ पे मतलब 8 लगे हुए हैं, 2-2-4 आगे, 2-2-4 अंदर, उसके अंदर भी हैं। ये 4 फोल्ड में फैब्रिक बन रहा है, इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी क्या होता है, इसको आरएफ लगाने का मतलब क्या होता है, जो 1 टन का मटेरियल कुछ उसके अंदर डालना हो तो जो हाइड्रा से उठाते हैं तो बेल्ट लगाना होता है यहाँ पर। तो जहाँ बेल्ट लगती है ना, वहाँ का जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए इसके अंदर आरएफ डालते हैं, इसके अंदर हम आरएफ डालते हैं ताकि यहाँ की जो मजबूती हो ना वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो जब बैगे उठाए हम तो फटे ना। ये जो कपड़ा बना रहे हैं ये हमारी सबसे छोटी मशीन है, इसमें हम 10 फीट तक का कपड़ा बना सकते हैं, लास्ट 10 फीट। बाकी लूमे में हम 12 फीट बनाते हैं और हमारे पास 18 फीट की भी लूमे है। तो ये जो क्वालिटी हम बना रहे हैं ये नेचुरल फैब्रिक है, इसके ऊपर हम सिल्वर एक साइड में ब्लैक, दूसरे साइड में ब्लू, एक साइड में येलो, दूसरे साइड में सिल्वर, ऐसा लेमिनेशन करके हम बाहर भेजते हैं। कपड़ा बनने के बाद में कच्चा फैब्रिक लगा के इसके ऊपर लेमिनेशन किया जाता है और उसके ऊपर कोटिंग होके इसको और मजबूत किया जाता है। यह फिल्म इस कपड़े में चिपक रही है और रोल से ये पूरा पेस्टिंग हो रहा है और वह पूरा कपड़ा फाइनली हो गया, कपड़ा कोटिंग हो गया यहाँ पे, बिल्कुल फिल्म चिपक के एकदम डिग्गी तैयार है, डिग्गी का कपड़ा ये तैयार हो रहा है पूरा। ये 2-2 टन के एक साथ रोल बनेंगे, ये भी फाइनल प्रोसेस, ये फाइनल प्रोसेस हो गया। ये ऑटोमेटिक प्रिंट हो रहा है, सनपेड ब्रांड, ये सारा ऑटोमेटिक। ये भी मशीनें बहुत कम आदमी के पास है इंडिया में, बहुत कम जनों के पास है, ऑटोमेटिक फुल प्रिंट हो रही है। ये बड़े रोल बन रहे हैं, ये यहाँ से प्रिंटिंग हो रही है। ये बड़े बड़े रोल छोटे होने के लिए वापस चले जाएंगे, प्रिंटिंग हो चुकी है ये रोल और उसको वहाँ पे वे चले जाएंगे, ये प्रिंटिंग हो चुकी है। छोटे रोल बना के वहाँ पार्टियों को जाएगा, क्योंकि बड़े रोल के लिए उनको क्रेन लगती है बड़ी बड़ी, उनकी वह सुविधा कहीं पर होती नहीं है। ये देखिए आपको मशीन चालू है, ये छोटे रोल की मशीन चालू है। माल नीचे से तो खराब नहीं जा रहे हैं, ऊपर से ये लोग ध्यान रख रहे हैं, नीचे से भी कोई बड़े रोल से जब माल छोटा बनाया जाता है, हाँ कहीं पे बड़ी मशीन पे कोई मिस्टेक तो नहीं आ गई है, कोई भी मटेरियल खराब नहीं हुआ, खराब होगा तो ये यहाँ रोक के उसको कट कर देंगे, तो वह खराब जाने का भी कोई चांसेस नहीं है मटेरियल। दोस्तों अब जो है हम आपको लेब का निरीक्षण कराते हैं, जिसके अंदर त्रिपाल की टेस्टिंग होती है कि जो त्रिपाल को हमने जो क्वालिटी दी है क्या वो क्वालिटी के अंदर फिट बैठता है या नहीं बैठता। आप क्या लेब टेक्नीशियन है? यस सर। आप यहाँ क्या क्या प्रोसेस करते हैं? यहाँ पर हमारा पहले जो टेप लाइन में जो टेप बनता है उसको टेस्ट करते हैं, उसका स्ट्रेंथ, एलंगेशन, जीपीडी, डेनियर, टेप विड्थ, ये सब टेप में टेस्ट करते हैं स्पेशली ओयूटीएम मशीन में। इस मशीन में टेस्ट करते हैं, इस मशीन का सेटअप कैसे करते हैं? ठीक है, इस धागे को टाइट कर दिया, टाइट कर, अच्छा उसके बाद में उसको खिंचाव दोगे? हाँ, उसको मशीन के हिसाब से उसको टेस्ट का स्पीड ऑलरेडी सेट हुआ है एज पर BIS 200 mm ग्रिप लेंथ, मशीन टेस्ट फीड 50 mm, उसके हिसाब से हम लगा के उसको ऊपर और नीचे लगा के उसको मशीन में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद वो बताएगा एक्चुअली उसका स्ट्रेंथ कितना है, एलंगेशन कितना है, जीपीडी कितना है, वो सब इधर डिस्प्ले में शो करेगा। अच्छा, ये इस धागे को करके दिखाओ। हाँ, जैसे आप कमांड देते हो यहाँ से स्टार्ट कर दिया आपने। हाँ, और एलंगेशन जो है वो 15.71% में है और इसका न्यूटन में भी दिखाता है 99.57 न्यूटन और ये मैक्सिमम एलंगेशन जो mm में दिखाता है वो 31.42 mm। अब
आफ्टर लैमिनेशन होने के बाद इसको फिर आज पर BIS IS15351 उस हिसाब से इसको टेस्ट करते हैं। अभी आपको दिखाया 240.76 केजी स्ट्रेंथ और न्यूटन में आपका हो गया 2361.85 न्यूटन, 41.26 mm, 20.63% एलंगेशन। वो इधर आपका एलंगेशन शो कर देता है मैक्सिमम एलंगेशन और मैक्सिमम लोड। इस पर हमारा जो BIS का स्टैंडर्ड है IS15351 उस हिसाब से पॉन्ड के लिए जो भी टेस्टिंग जो स्टैंडर्ड से दिया गया है उसको मैक्सिममली फॉलो करते हैं और 7903 के भी फॉलो करते हैं। IS7903 और IS15351 दोनों को ही फॉलो करके उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जिस तरह का टेस्ट प्रोसीड्योर दिया गया है उसी को ही फॉलो करके उस हिसाब से ही टेस्ट करते हैं। ये मशीन किस काम करती है? ये मशीन हमारा UV टेस्टिंग करने के लिए स्पेशली यूज होता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको होता है आपका यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टर मशीन। जैसे कि आपका हो गया टेप का स्ट्रेंथ, एलंगेशन, वो सब चेक करने के लिए टेप का ये मशीन टेप और फैब्रिक का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए ये होता है। अच्छा, और नेक्स्ट? और ये हो गया आपका डार्ट इम्पैक्ट, जो प्रेशर कितना में गिर रहा है, अगर ऊपर से कुछ वजन गिर रहा है वो हमारा पॉन्ड कितना सह सकता है ये कर सकता है, वो सब चेक करने के लिए ये डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट हो गया। अच्छा, और ये आपका हो गया हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक होता है जो पॉन्ड के नीचे, जो पॉन्ड जब बनाते हैं नीचे से अगर कुछ प्रेशर आता है तो पानी का प्रेशर कितना सह सकता है क्या नहीं कर, उसके लिए इसको हाइड्रोस्टैटिक चेक करते हैं। और ये आपका हो गया ह्यूमिडिटी चैम्बर। ह्यूमिडिटी चैम्बर में हर हर एरिया के हिसाब से हमारा ऑल ओवर पूरा बहुत सारा स्टेट में मटेरियल डिस्पैच हो रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है और हर जगह में ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर का कुछ इधर उधर का है डिफरेंट, इसीलिए हम हर तरह का जो भी माल जिधर भी डिस्पैच होता है उस हिसाब से इसको ह्यूमिडिटी में रख के उसको चेक करके तब जाके डिस्पैच करते हैं। ये ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए ये होता है। अच्छा, ये आपका हो गया मफल फर्नेंस। मफल फर्नेंस होता है जो कपड़े के अंदर कितना फिलर है, सीसी परसेंटेज कितना है, वो सबको चेक करने के लिए ये होता है, सीसी परसेंटेज चेक करने के लिए। अच्छा, और ये आपको हो गया विंग मशीन। जैसे कि GSM चेक करते हैं वो बस वेइंग मशीन में डालने के बाद वो बताएगा ये वजन, जैसे वेइंग मशीन होता है ना वो है बस कितना GSM आ रहा है क्या है निर्धारित कटिंग करके वो हाँ, चेक करते। स्क्वायर कट होता है, स्क्वायर कट में 4.5 × 4.5 स्क्वायर कट में उसको वजन करते हैं वो कितना आ रहा है क्या नहीं वो दिखा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये है। अच्छा, ये इसका मतलब GSM चेक कर लेते हैं। हाँ, ये कट करने के, हाँ ये कट करने के लिए है। ये 500 माइक्रोन है? हाँ, 500 माइक्रोन। ये भी वही वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन है, ये दोनों वेइंग मशीन है। ये आपका हो गया CBC, कार्बन ब्लैक कंटेंट। मटेरियल जो आता है, जो ब्लैक कलर का मटेरियल है, जो भी मटेरियल है प्रोडक्ट में कार्बन का परसेंटेज कितना रहता है वो चेक करने के लिए ये है, कार्बन परसेंटेज बताता है। अच्छा, कार्बन परसेंटेज बताएगा? नहीं, ये अलग है, कार्बन परसेंटेज ये बताएगा। इसमें हमारा जो वेविंग का जो मेस होता है वेविंग का, जैसे कि आपका हो गया ये जाली जो बनती है प्लास्टिक की, ये इसमें कितना है क्या है वो सब दिख, जैसे कि वन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप वो इसमें लगा के देखते हैं, वो दिखाता है। अच्छा, और ये आपका हो गया हॉट एयर ओवन। इसमें हम चेक करते हैं जो फैब्रिक का श्रिंकेज परसेंटेज, श्रिंकेज कितना है, फैब्रिक कितने में श्रिंकेज हो रहा है, वो सब श्रिंकेज टेस्ट करने के लिए ये है, फैब्रिक का श्रिंकेज टेस्ट करने के लिए। अच्छा, और ये आपका हो गया वाटर बाथ। वाटर बाथ में जो टेप हमारा बनता है, टेप का श्रिंकेज कितना परसेंट है क्या है, वो श्रिंकेज टेप का श्रिंकेज टेस्ट करने के लिए ये होता है। ये हो गया आपका फैब्रिक का श्रिंकेज टेस्ट करने के लिए, ये वाटर बाथ हो गया आपका टेप का श्रिंकेज टेस्ट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद में ये फाइनल हो जाता है, ये भी टेस्टिंग मशीन है? हाँ, ये भी आपका हो गया स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर में क्या है, उसको जैसे कि मैन्युअली टेस्ट करने के लिए, ये मैन्युअली है, इसमें मैन्युअली एक कपड़े में उसको पानी डाल के हम रखते हैं, जैसे कि मैक्सिमम कितना दिन तक वो पानी को रख सकता है ये कर सकता है, वो सब देखने के लिए तो नहीं हो रहा, पानी से पानी निकल नहीं रहा है, वो मैनुअल है।
वो इसमें बस पानी को रखते हैं और कितना दिन में वो लीकेज कर रहा है वो कर रहा है वो सब देखते हैं। मतलब इतने फाइनल प्रोसेस के बाद में एक तिरपाल बनके तैयार होता है। हाँ, ये टेस्टिंग होते हैं इसकी। हाँ, यहाँ मतलब कंपनी के अंदर ही, कंपनी के अंदर ही सब टेस्टिंग होता है और IS15351 और IS7903 को फॉलो ही करते हैं पूरा। सनपेट कंपनी के कई प्रोडक्शन हाउस हैं जिसके अंदर तिरपाल तैयार होता है। ये जापान से ही लूम से तैयार हो रहे तिरपाल का एक नजारा है। जो जापान से उच्च क्वालिटी की लूम आती है उससे डिग्गी के तिरपाल तैयार होते हैं, उसका ये नजारा है। सनपेट कंपनी के अंदर तैयार होने वाला तिरपाल जो है यहाँ पर बड़े बड़े रोल के अंदर तैयार होता है, लेकिन कस्टमर को भेजने के लिए ये छोटे रोल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि वहाँ पे कस्टमर के पास अगर क्रेन नहीं है तो भी वहाँ पे दो आदमी मिलकर उठा सके और उसका आसानी से बड़ा तिरपाल जब किसी किसान को देना हो तो वो बना सके। इस प्रकार का प्रोसेस अहमदाबाद गुजरात में होता है और अहमदाबाद गुजरात से सीधा जब जोधपुर के इनके बड़े डिपो के अंदर आता है तो वहाँ पे प्रेस वॉश कुछ इस प्रकार होती है। सनपेट कंपनी अहमदाबाद में तिरपाल बनाने के बाद में दुनिया भर के कई देशों में बेचती है। वहीं राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर होलसेल और रिटेल दोनों तरीके से तिरपाल अवेलेबल होता है। इस प्रकार के छोटे छोटे बंडल बनके जो है होलसेल रिटेलर के पास पहुंचते हैं और उसके बाद में किसान जो अपनी डिमांड देते हैं उसके मुताबिक तिरपाल यहां पर तैयार किया जाता है उनकी साइज के मुताबिक। तो ये किसान एग्रो प्लास्ट सांगरिया जोधपुर है, वहाँ का मैं वीडियो बता रहा हूँ। यहाँ पर ये किसान एग्रो प्लास्ट के जो कर्मचारी हैं वो तिरपाल बना रहे हैं किसानों के लिए डिग्गी की साइज के मुताबिक, और तिरपाल बनने के बाद में जो है बड़े बड़े बंडल बन जाते हैं, उन बंडलों को पैक करके और किसान के ले जाने के लिए तैयार कर दिए जाते हैं। पर आप भी अगर इस तिरपाल के खरीदने के इच्छुक हैं तो डिस्प्ले में दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसान एग्रो प्लास्ट सांगरिया जोधपुर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट करें। मैं फिर आ जाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।